बारे में भी। ठीक है, तो पहले आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को बनाने के लिए जो है दो आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट्स यूज किए जाते हैं। टू पैरेलल प्लेट्स, टू पैरेलल आइडेंटिकल प्लेट्स आर यूज्ड टू फॉर्म द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, तो देखते हैं कि ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस कितना होता है। एक्चुअली में ये जो दो प्लेट लिए जाते हैं, एक तो आइडेंटिकल शेप के होते हैं और इनके बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम रखा जाता है। अगर इनका एरिया मीटर स्क्वायर में रखा जाता है तो इनके बीच का जो गैप है वो मिलीमीटर में होता है। तो देख सकते हैं कि दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो गैप है बहुत ही कम होता है, इनका एरिया इसके रिलेटिव में ज़्यादा होता है। ठीक, अब ऐसा मान लेते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर निगेटिव चार्ज है। ठीक है, मतलब जो इनर फेस है वहाँ पर इस पर पॉजिटिव आएगा और इस पर निगेटिव आएगा। ठीक है, ये प्लेट का साइड भी हमने दिखाया। प्लेट एक्चुअली में ऐसे है, अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मेरे सामने प्लेन पड़ेगा उसका, तो ये हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं इसलिए पतला पतला दिख रहा है। तो जैसा कि हमने निकाला था इनफाइनाइट लेयर ऑफ चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, उसमें हमने क्या देखा था कि इनफाइनाइट लेयर के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ये आता है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये जो प्लेट्स हैं इनको भी हम लोग इनफाइनाइट प्लेट मान सकते हैं, है ना। एक्चुअली में इनफाइनाइट जो है, इन्फिनिटी जो है वो अनडिफाइंड होता है। ठीक, अगर हम बात करें कि इतना ये बोर्ड है तो बोर्ड भी इनफाइनाइट प्लेट कहलाएगा अगर इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो। लेकिन अगर हमें यहां से 50 मीटर दूर जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ये इनफाइनाइट नहीं कहलाएगा। ठीक, उसी तरह से मैं एक छोटा सा प्लेट ले लेता हूं, ये प्लेट भी इनफाइनाइट कहला सकता है अगर बिल्कुल यहां से एक माइक्रोमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो। अगर फील्ड पॉइंट कितना दूर है उस पर डिपेंड करता है कि जो प्लेट है वो इनफाइनाइट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए दोनों प्लेट को हम लोग इनफाइनाइट प्लेट मान सकते हैं, इनफाइनाइट लेयर ऑफ चार्ज मान सकते हैं, है ना। तो इसका सरफेस डेंसिटी मान लिया सिग्मा, इसका भी सिग्मा माइनस। ठीक, तो अगर बीच में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इस पॉजिटिव के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर और निगेटिव वाले के कारण से भी इधर ही आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो आएगा इसके कारण से आएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मतलब क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, है ना। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट के कारण से आएगा, दूसरा प्लेट के कारण से भी उतना ही आएगा और सेम डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये निगेटिव है तो भी उधर ही क्रिएट करेगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट यहां पर टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा इधर और निगेटिव चार्ज यहां पर रखकर टेस्ट चार्ज को उधर अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों फोर्स उधर लगाएंगे पॉजिटिव चार्ज पर, इसलिए दोनों के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही आएगा। तो चूंकि मैग्नीट्यूड बराबर ही होगा तो मैं जस्ट दो बार ऐड कर दूंगा तो ये डबल हो जाएगा, टू टू इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ये हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, है ना। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्चुअली में डेल्टा वी बाई डेल्टा आर ऐसे लिखते हैं हम लोग, ई इज इक्वल टू डी बाई डी आर माइनस करके। तो वही वाला जो फॉर्मूला है यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस में मान लेता हूं कि वी है दोनों प्लेट के बीच में और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो डेल्टा आर के जगह पर डी रखेंगे, दोनों के बीच का सेपरेशन, है ना। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऐसा समझ सकते हैं क्योंकि दोनों कंडक्टर हैं। तो ये हो गया v डिवाइडेड बाई डी। तो देखेंगे यहां से v आएगा कितना, है ना, इसको
यूज करते हैं, तो Q इंटू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए, यानी Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी, ये आ गया। अब यहां पर जैसा कि मैंने बताया V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, Q क्या है चार्ज स्टोर्ड, Q हो गया चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। ठीक, तो जैसा कि मैंने यहां बताया कि Q इज इक्वल टू C इंटू वी होता है, तो यहां भी मैं लिख सकता हूं C इंटू वी, यानी C का वैल्यू कितना हो गया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये हो गया कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, जैसे ही किसी कैपेसिटर को जब हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या फेनोमेना होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये दोनों जो प्लेट्स थे ये पहले न्यूट्रल थे, हमने क्या किया इनको एक बैटरी से जोड़ा, जैसे ही इसको जोड़ा तो पहले देखें क्या, पहले ये जीरो पोटेंशियल पर होगा क्योंकि इस पर चार्ज नहीं है, ये जीरो पोटेंशियल पर इस पर चार्ज नहीं है, बैटरी का ये जो है पॉजिटिव प्लेट होता है हायर पोटेंशियल, ये निगेटिव प्लेट पर होता है, निगेटिव पोटेंशियल पर होता है। ठीक है, तो जोड़ते ही क्या होगा, ये हाई पोटेंशियल है और ये जीरो लो हो गया, तो करंट यहां से ऐसे फ्लो करना शुरू करना चाहिए। यहां पर देखेंगे ये निगेटिव में है और ये जीरो है, तो यहां भी क्या है कि ये हाई है और ये लो है, तो करंट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, यानी जो चार्ज है वो हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करने की कोशिश करता है। तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे कर सकते हैं कि यहां से इधर जाने लगेगा, यहां से इधर जाने लगेगा, तो इस पर जो चार्ज है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, पहले ये दोनों ही न्यूट्रल थे, अगर इस पर प्लस क्यू आ गया इसका मतलब इस पर माइनस क्यू आ गया होगा, क्योंकि चार्ज जो है इसमें से निकल करके इसमें जा रहा होगा, पहले ये दोनों न्यूट्रल थे है ना, इधर से कहीं कोई चार्ज नहीं है एक्स्ट्रा, यहां से चार्ज निकल रहा है और ये वहां जाकर के एक्युमुलेट हो रहा है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहां पर चार्ज घट रहा है, तो इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब हमें देखना है कि चूंकि यहां पर चार्ज आ गया है तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया होगा। मान लेते हैं कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो है सी, है ना, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है सी, तो आप देख सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है ना, यानी कि V इज इक्वल टू होना चाहिए Q बाई सी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, चार्ज दिया हो, कैपेसिटेंस दिया हो, तो Q बाई सी कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इतना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर पहले से है। ठीक, अब चार्ज जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा होगा, चार्ज यहां से और निकल के इधर जाएगा, तो हमें पता करना है कि जब चार्ज यहां पर जाएगा, देख सकते हैं कि यहां पहले से पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज भेजना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर से जो जाने वाला पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल कर रहा होगा, तो इसको यहां से जबरदस्ती हम लोग पहुंचा रहे हैं, पहुंचाने में हमने कुछ वर्क किया होगा, हम लोग जो वर्क करेंगे वही जाकर के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, है ना, तो ये वर्क पता करना है हमें। तो हम मान लेते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पर इस पर स्मॉल क्यू चार्ज था, है ना, व्हेन क्यू चार्ज इज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर। अब जो है फर्दर डी क्यू चार्ज इज इंक्रीज्ड ऑन कैपेसिटर, चूंकि चार्जिंग हो रहा है तो चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, तो पहले स्मॉल क्यू चार्ज आया फिर डी क्यू चार्ज और भेज रहे हैं, तो कितना वर्क होगा, हमें पता है कि जो वर्क होता है वो होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज है डी क्यू जो कि हम लोग भेज रहे हैं, है ना,
मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वर्क डन विद एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये फॉर्मूला उसी को यहां पर अप्लाई करेंगे। तो डी क्यू चार्ज भेजा गया यहां से यहां, यहां से यहां भेजा गया, और यहां यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इतना है ना। ध्यान रखना है कि ये पोटेंशियल नहीं है बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस है, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया। और ये जो वर्क होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं डी यू, एक्चुअली में डी डब्ल्यू था, इसको डी यू लिख सकते हैं। डी क्यू जो वी है उसको लिखा जा सकता है क्यू बाई सी, है ना। तो अब इनको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, क्यू डी क्यू बाई सी का इंटीग्रेशन, है ना, जीरो से यू और जीरो से क्यू। मान लेते हैं कि फाइनली इस पर कैपिटल क्यू चार्ज ले आना है, है ना, जीरो से चार्ज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कैपिटल क्यू आया, किसी इंस्टेंट पर स्मॉल क्यू था तो हमने ये इंटीग्रेशन किया, तो इधर आ जाएगा यू और इधर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी, है ना। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो Q है, Q का जो वैल्यू है वो देखें यहां पर C इंटू वी के इक्वल होता है, तो Q को C इंटू वी रखा जा सकता है, C इंटू वी का होल स्क्वायर बाई टू सी। तो यहां से देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो अभी तक हमने यहां पर क्या देखा कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, एरिया ए है, सेपरेशन डी है, तो कैपेसिटेंस आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। बीच में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर निकालेंगे तो ये आएगा यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये आएगा। कई बार पूछा जाता है कि ये दोनों जो प्लेट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो कितने फोर्स अट्रैक्ट करेंगे ये भी निकालना है, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन प्लेट्स, है ना। तो फोर्स निकालना हो तो ऐसा कर सकते हैं, ये तो पता है कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो इस पर फोर्स निकालना है तो इसके कारण से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा जैसे ये चार्ज हो गया क्यू, और इसके कारण से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ध्यान रखना है कि एक प्लेट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, यहां पर हमने एक के कारण से लिखा था सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों को मिला करके डबल कर दिया था। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें फोर्स निकालना है इस पर, तो इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेंगे, है ना, ये खुद पर फोर्स नहीं लगा रहा, हम इसके कारण से उस पर फोर्स निकाल रहे हैं, तो इसके कारण से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे और इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका चार्ज ले लिया हमने क्यू, मैग्नीट्यूड ले लिया हमने, साइन वाइन नहीं ले रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन हमें पहले से पता है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, तो चार्ज इसका क्यू और इसके कारण से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा बताया सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का वैल्यू होता है क्यू बाई ए, है ना, क्यू बाई ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है इसका वैल्यू हो गया क्यू स्क्वायर बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, इतने फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे।